आज हम बनाएंगे आलू का पराठा, वो भी बिना आलू भरे। झटपट बन जाते हैं, बच्चों को टिफ़िन में दीजिए या नाश्ते में बनाइए, ये बहुत टेस्टी लगते हैं। और सबसे ख़ास बात ये है कि ठंडे होकर भी ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए 4 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू लिए हैं। आलूओं को उबाल के पहले ठंडा कर लें, उसके बाद इनके छिलके निकाल लेंगे। और अब हम ऐसे हथेली से इनको ऐसे क्रश कर लेंगे। तो इनको हम कद्दूकस नहीं करेंगे, हाथों से हम ऐसे मैश कर लेंगे। इस रेसिपी के लिए हम गरम आलू यूज़ नहीं करेंगे। आलू जब ठंडे हो जाएंगे तभी हम उनको ऐसे हाथ से क्रश कर लेंगे। और अब हम इसमें 1 चम्मच नमक या स्वादानुसार नमक डाल देंगे। 1-2 आप हरी मिर्च काट के डाल दें। और अब हम इसमें बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डालेंगे। धनिया पत्ती आप थोड़ी ज़्यादा लें। 1 छोटा चम्मच हम अजवाइन ले लेंगे और हथेली से ऐसे क्रश करके डाल देंगे। 1 छोटा चम्मच इसमें हम चिली फ्लेक्स डालेंगे। 1/4 छोटा चम्मच इसमें गरम मसाला डाल दें। और 1 इंच के करीब मैंने अदरक ली है, अदरक को हम ऐसे कद्दूकस करके डाल देंगे। और अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच तेल डाल देंगे जिससे पराठे क्रिस्पी बने। 2 पिंच इसमें हम हल्दी पाउडर डाल देंगे। और अब मैंने यहाँ पे 1 कप गेहूं का आटा लिया है, लेकिन पूरा आटा एक साथ नहीं डालेंगे। पहले हम आधा आटा डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। इस रेसिपी में हम पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, तो थोड़ा थोड़ा आटा आप डालते जाएं और इसको मिलाते रहें। आलू के थोड़े से चंक्स अच्छे लगते हैं, इसीलिए मैंने इसको हथेली से ही ऐसे मैश करा है। और अब हम इसमें बाकी का आटा भी डाल देंगे। और जैसे हम आटा गूंथते हैं उसी तरह हम आटा तैयार कर लेंगे। आटा हमें ना तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाना है और ना ही बहुत हार्ड बनाना है। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने डो बना के रेडी कर लिया है। और अब हम बिना देर करे इसके फटाफट पराठे बना लेंगे। तवा को मैंने हल्का सा गर्म कर लिया है और उस पर मैंने ऐसे थोड़ा सा तेल लगा लिया है। और अब हम इसमें जितनी हम रोटी के लिए लोई लेते हैं उससे थोड़ी बड़ी लोई लेंगे। और इसमें अब हम ये थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे। और सूखा आटा लगाने के बाद अब हम इसको थोड़ा बेल लेंगे। डो बनाने के बाद हम बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे, फटाफट पराठा बनाना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अगर हमने थोड़ी देर के लिए रख दिया तो ये आटा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो सकता है। थोड़ा सा बेलने के बाद अब हम इसमें ऐसे थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और चारों ओर से उठाते हुए हम इसको ऐसे बंद कर लेंगे। तो इस तरह से आप पराठे बनाएंगे तो पराठे एकदम सॉफ्ट और क्रिस्पी बनेंगे। और अब हम इसके ऊपर दोबारा सूखा आटा लगा लेंगे। और उसके बाद जैसे हम रोटी बेलते हैं उस तरह से हम गोल शेप में बेल लेंगे, एकदम हल्के हाथ से बेलेंगे। मैं गोल पराठा बना रही हूँ, आप चाहें तो चौकोर या तिकोना पराठा भी बना सकते हैं। थोड़ा सा हम सूखा आटा और लगा लेंगे और इस तरह से हम इसको गोल शेप में बेल लेंगे। तो ये पराठा हमारा बेल के तैयार है और तवा भी अच्छे से गर्म हो गया है। और अब हम इसको तवा के ऊपर रख देंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसको सेक लेंगे। एक साइड से जब ये हल्का सा सिक जाएगा तब हम इसको पलट देंगे और दूसरी साइड में हम हल्का सा तेल या घी लगा लेंगे। तो तेल या घी जिसमें भी आप बनाना चाहें बना सकते हैं। और हल्का सा तेल लगा के अब हम इसको पलट देंगे। और इसी तरह हम दूसरी साइड भी थोड़ा सा तेल लगा के अलट पलट करके इसको अच्छे से सेक लेंगे। तो आप पराठे की जगह इस आटे से पूड़ी भी बना सकते हैं। तो इस आटे की पूड़ियाँ भी बहुत टेस्टी लगती हैं। तो ये हमारा पराठा अच्छे से सिक गया है और अब हम इसको तवा से उतार लेंगे और इसी तरह हम बाकी के पराठे भी सेक लेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें इनको मीडियम फ्लेम पे ही सेकना है और जब इनके लिए डो रेडी करेंगे तब बिना पानी डाले हम इनका डो बनाएंगे। ये हमारे पराठे बनके तैयार हैं। अब हम इनको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आप इनको दही के साथ या बटर के साथ भी सर्व कर सकते हैं या अचार के साथ भी इनको खा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सॉफ्ट बने हैं और ठंडे होने के बाद भी ये ऐसे सॉफ्ट ही रहते हैं। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आएंगे। और ट्राई करने के बाद आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।